महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई सांसद मेनका गांधी। सांसद ने इसौली विकासखंड में 1.5 दर्जन से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित। सुल्तानपुर में 9वीं बार लोकसभा पहुंचने के लिए सुल्तानपुर से लगातार दूसरी बार चुनावी प्रचार अभियान में उतरी बीजेपी की सिटिंग सांसद मेनका गांधी पूरी रो में है। रोजाना क्षेत्र में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा नुक्कड़ सभाओं में मतदाताओं से सीधे रूबरू हो रही हैं और जनता से सीधे जुड़कर मुद्दे उठा रही हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती पर क्षत्रिय भवन परिसर में उन्होंने भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करके की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप हमारे संपूर्ण समाज और देश के गौरव हैं। महापुरुषों को किसी भी जात और कौम के खांचे में नहीं बांधना चाहिए, वे संपूर्ण समाज के आदरणीय होते हैं। मैं कोई भी सेवा कार्य, विकास कार्य जात, धर्म या कौम देखकर नहीं करती, सभी बराबर हैं मेरी नजर में। श्रीमती गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर वासियों से मैंने जो कहा वो किया, हवाई दावे करना मेरी आदत नहीं, आगे भी जो कहूंगी वो करूंगी। सुल्तानपुर के सभी लोग मेरे अपने हैं। सांसद मेनका ने कैंपन के 34वें दिन इसौली विधानसभा में 1.5 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा, इस बार किसान सहकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण प्राथमिकता में होगा। फिलहाल इस बार चीनी मिल ठीक से चली, गन्ना किसानों की पर्ची दोगुनी कराई गई, गन्ना किसानों का पेमेंट भी समय से हो गया। मुख्यमंत्री 2 बार जिले में आए, मैंने दोनों बार चीनी की विस्तारीकरण की मांग पूरी ताकत से रखी। इस बार चीनी मिल का जीर्णोद्धार विस्तारीकरण के लिए पूरी कोशिश करूंगी कि हो जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं और सुनाते हैं आपको विस्तार से। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुरुवार को सांसद ने इसौली विकासखंड के जज्जौर, समरतपुर, एंजर, सिंगनी आदि जगहों पर नुक्कड़ सभाओं में शामिल हुए। इस मौके पर इसौली के भाजपा प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश पांडे, बजरंगी विधानसभा सेनेटर डॉक्टर बलराम मिश्रा, सह संयोजक प्रदीप शुक्ला आदि पार्टी के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया। मुसलमान मेरे पास आते हैं, अभी एक आया कहने के लिए कि मेरा बेटा मलेशिया में है और वहाँ बहुत बीमार है और जहाँ जिस होटल में काम कर रहा है वो कह रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं जब तक वो 2 लाख रुपए भरे ना जो कर्जा लिया। मैंने यहाँ विदेश मंत्रालय से बात की, होटल से बात की, नतीजा ये हुआ कि 8 दिन के अंदर अंदर वो होटल वालों ने इसको टिकट खरीदा और ये सुल्तानपुर पहुंच गया मलेशिया से। ये हम सबके लिए करते हैं, सबके। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, अभी एक औरत आई पिछले गांव में, वो उसने मुझे कहा, वो भी यादव औरत थी, उसने कहा कि मैंने मेरा घर जो है मैंने बनाया है, प्रधान मुझे लिंटल लगाने नहीं दे रहा। मैंने प्रधान को बुलाया और कहा कि, उसने कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई थी, इसको गलत जगह में पट्टा मिला तो अब यहाँ नहीं बना सकती क्योंकि प्रशासन मना कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कहीं और ले जाओ। कहा ना उसके पास पैसे हैं कहीं ले जाने के लिए, गलती आपकी थी, अब इसको लिंटल बनाने दो और जो भी आता है उनको बोलो कि मेनका गांधी से बात करें। आज अपना लिंटल का काम शुरू करवाए। मैं सब सब के लिए मदद करूँगा। अब आप लोग जब वोट देने जाओगे